महाराष्ट्र राज्य रायगढ़ जिला में रेवदांडा बंदर नजीक डूबी रहे एमवी मंगलम नौका में दमण स्थित भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज और हेलिकॉप्टर द्वारा सर्वे सोल खलासी ने सुरक्षित रीते उगारी लीधा छे। खराब हवामान वच्चे कोस्ट गार्ड जवानों आ साहसिक कामगिरी पार पाड़ी छे। महाराष्ट्र रायगढ़ नजीक दरिया में गुरुवार 17 जूने सवारे भारतीय ध्वज धरावती एमवी मंगलम आईएमओ 9-84-6-19 सेकंड ऑफिसर पासेथी दमणना कोस्ट गार्ड ने तोफानी समुद्र वच्चे डूबती नौका विशे माहिती आपवामां आवी हती। रेवदांडा जेटी 3 किलोमीटर अंतरे डूबती आ नौका में सोल खलासी होता आ नौका में पानी भराई जवाथी एक बाजू झूकी गई हती। आथी नौकानो कप्तान खलासीओने जाण करी नौका छोड़ी देवानो ऑर्डर कर्यो हतो, जो के कोस्ट गार्डे कोईपण भोगे नौका पर रहेवा माटे तेमने विनंती करी हती। आ पछी कोस्ट गार्डनो जहाज सुभद्रा कुमारी चौहान ने बंदर पर मोकलवामां आव्यो। आ साथे बे हेलिकॉप्टर पण आईसीजी एर स्टेशन दमणथी बचाव कामगिरी माटे मोकलवामां आव्या। सुभद्रा आश्रे 10.15 कलाके डूबती नौका पासे आव्यो। आ स्थितिनुं आलंकन कर्या पछी खराब हवामान अने तोफानी समुद्र वच्चे खलासीओने बचाववा माटे सुभद्रामांथी बोट नीचे उतारवामां आवी। आ साथे हेलिकॉप्टरो पण आवी गया अने खलासीओने उपाड़ी लेवानुं काम शुरू कर्युं हतुं। आम सोल खलासीओने उगारी लेवा हता, तेमने महाराष्ट्रना रेवदांडा लई जवा हता, જ્યાં તમામ ખલાસીઓને પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી।